أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम और मेरी जुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार। सहरी की इस खसूसी ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये जो लम्हात होते हैं सहरी के बड़े ही खास होते हैं और इसमें हम कामों में भूल जाते हैं कि ये भी वो लम्हे हैं जिनमें दुआ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी दुआ करें और हमारी भी हर सहरी की तरह आज की सहरी में यही दुआ है कि हमारी हर सहरी का आगाज़ इसी तरह अल्लाह ताला के अजीम और बाबरकत नाम से हो और हमारी हर इफ्तार भी सहर अजीम की तरह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हमकिनार हो। आमीन आमीन। नाज़रीन अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, और तहकीक हमने कुरान नसीहत के लिए आसान बनाया, बस कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। बिल्कुल बिलाशुबा कुरान मजीद राह हिदायत है और अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि जो इससे नसीहत हासिल करना चाहेगा उसे इसके लिए आसान बना दिया जाएगा। तो अगर आप और हम जैसे लोग इससे नसीहत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे लिए कुरान पढ़ना या उसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं तलावत कुरान पाक की तरफ और वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمد ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها كلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون آمنت بالله صدقت يا رب العالمين जी माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन इरशाद रबानी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी है। नाज़रीन इस्लाम आफाकी दीन है, इसकी तालीमात हमेशा रहने वाली हैं। इस्लाम की नज़र में इंसान बाहैसियत इंसान बराबर है, रंगो नस्ल ज़बानो इलाका की कोई इम्तियाज नहीं। हाँ, अगर कोई इम्तियाज है तो वो सिर्फ और सिर्फ तकवा का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, किसी अरबी को अजमी पर और गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं, हाँ अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ तकवा की। नाज़रीन रमज़ान वो महीना है जिसकी एक एक साथ हमें इन मसनूई रंगो बुतों से टूट कर मिल्लत में गुम हो जाने की, वहदत की मिल्लत में गुम हो जाने का दर्स देता है। और हमारा आज का मौजूए गुफ्तगू भी यही है कि रमजान बराबरी का महीना है। बेशक बिल्कुल इमरान, अल्लाह ताला ने ये बहुत बार तकब्बुर को बहुत बुरा समझा गया है और बहुत बार ये कहा गया है कि जिस शख्स के दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी तकब्बुर के हवाले से है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो मेहमान। पहले जो हमारे मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ कराती चलूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं वो हैं इलामा नूर हुसैन साहब, बहुत क्या ये हकीकत है कि तमाम लोग बराबर हैं या फिर कुरान और हदीस में हमें कुछ इम्तियाजात भी मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया इमरान खान साहब। वेलकम सर। माह रमजान यकीनन मवासात का महीना है, मोहब्बतें चाहते बांटने का और अल्लाह ताला की बारगाह से बरकतें रहमतें समेटने का। तो इसके साथ साथ अगर ये इस्लामी तालीमात और हमारे रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी के मामूलात हैं इनको भी समझा जाए और इनके ऊपर भी अमल किया जाए तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है कि बंदा मोमिन अपनी इबादत से नहीं पहचाना जाता बल्कि वो अपने मामला से पहचाना जाता है। तो ये तसव्वुर मसावात और ये बराबरी, ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे इस्लाम के का तुर इम्तियाज़ है। और ये उस मुआशरे में ये नारा उस वक्त लगाया गया कि जहाँ ऊंच नीच छूत छात जात बरादरी कबीला ग्रोह लौंडी गुलाम और इस तरह के तसव्वुरात थे कि वो अपने कबीले के अलावा दूसरे को इंसान ही नहीं समझते। सही, बिल्कुल। और बाज़ तो वो खुदाई मसनद के ऊपर जाके बैठे हुए थे। अस्तग़फिरुल्लाह। और जिस तरह वो फिरौन ने ये दावा किया था कि आना रब्बुकुमुल आला, मुझे आम इंसान ना समझो, मैं सिर्फ रब नहीं सबसे बड़ा रब। अस्तग़फिरुल्लाह। तो उन हालात में इस्लाम ने ऐसा पाकीज़ा एक तसव्वुर दिया कि इंसान बहसियत इंसान होने के
अल्लाह करीम ने सब को एक जैसा पैदा किया। सूरह निसा की जो पहली आयत है उसमें भी या अय्युहन्नासुत्ताकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नहु काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक जान से पैदा किया, फिर उसे एक जोड़ा पैदा किया, फिर उसे बहुत से मर्द और औरतें फैलाए, और तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से रहो। तुम्हारे हर मामले को अल्लाह ताला हर लम्हे वाचो बरकारा देख रहा है, वो रकीब है तुम्हारा। और दूसरी जगह भी सूरतुल हुजरात में भी यही बात जो है इसी तरह बयान की गई कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़ाकरिन व उनसा व जअलनाकुम शौबा व कबाइल लितअरफू इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे कबीले और ग्रोह बनाए ताकि तुम्हें पहचान के लिए, तारुफ के लिए, इज्जत के लायक सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। लेकिन ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट ये जहन में रखना भी जरूरी है कि कुरान पाक ने ये भी कहा कि ला यस्तवी असहाबुल नार व असहाबुल जन्नत, असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, कि जन्नत वाले दोज़ख वाले बराबर नहीं। जो जन्नत वाले हैं, तकवा वाले हैं, वो तो फलाह पाने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले हैं। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या तुम समझते हो कि इलम वाले और जाहिल बराबर है? ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं कि अंधेरा और उजाला जो है ये बराबर हो जाए, सखी और कंजूस बराबर हो जाए, मुजाहिद और बुजदिल जो है वो बराबर हो जाए, और अल्लाह ताला की अताअत करने वाले, उसकी मासियत करने वाले बराबर हो जाए। एक हिजबुल्ला है, एक हिजबु शैतान है, एक रहमान के बंदे हैं, दूसरे शैतान के बंदे हैं। तो जब हम ये एक तसव्वुर देते हैं कि बराबरी है, मुसावात है, तो अल्लाह की नज़र में मखलूक होने के अतबार से अल-खल्क़ अय्यालुल्लाह के सारी मखलूक, पहला सबक था किताब खुदा का कि हर सारी मखलूक कुंबा खुदा का। लोगों ने जो अपने तौर पे जो मायार बना लिए हैं बड़ा होने या छोटा होने के, वो अल्लाह की नज़र में ऐसा नहीं है। मन आमिला सालेहन मिन ज़ाकरिन और उनसा वाहुआ मोमिन फ़लनुहयिन्ना हयातन तैयबा, मर्द हो या औरत हो, कोई हो, जो भी अमले सालिया करे बशर्ते के साहिब ईमान हो, अल्लाह उसे आला और पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाते हैं। तो ये ज़ात, बरादरी, रंग, नस्ल, जो लोगों ने झूठे मायार बनाए या दौलत की वजह से कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास ज़्यादा सरमाया है, मेरी ज़्यादा औलाद है और मेरी ज़्यादा ज़मीन है, इस वजह से मैं बड़ा हूँ और दूसरे जो हैं वो घटिया और छोटे हैं। इस्लाम ने इस तकब्बुराना तसव्वुर को और इस रौनत के तसव्वुर को इसकी नफ़ी की है। तो तकब्बुर तो अल्लाह की चादर है, अल्लाह फरमाते हैं जो तकब्बुर करता है वो मेरी चादर को हाथ डालते हैं। और सरकार ने फरमाया किसी इंसान के बदनसीब गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को हकीर समझते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। इसी बात को हम आगे लेके चलेंगे अलामा साहब की तरफ। अलामा साहब, रमज़ान के बारे में स्पेसिफिकली कहा जाता है कि ये बराबरी का महीना है, ये लोगों में बराबरी तकसीम करता है, इसमें सब लोगों के दस्तरखानों पे एक जैसी चीज़ें होती हैं और ये एक बराबरी के कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिलाशुबा माह रमज़ान मसावात का महीना है, इसकी तालीमात जो हैं, जो इसकी इबादात है, वो इंसान को मसावात की दावत देती हैं और अमली तौर पर मसावात इंसानों के अंदर पैदा करती हैं ये इबादात। मसलन सब सहरी में शरीक होते हैं, तमाम मुसलमानों के लिए रोज़ा अहम इबादत है, जो भी आकिल बालिग मुसलमान हैं, और फिर बच्चों को तरगीब दी जाती है, वो भी उठते हैं सहरी के वक्त, तो एक अमल में सब शरीक होते हैं। फिर रोज़ा फी नफ्सी ही एक मुस्तकिल इबादत है और है भी फ़र्ज इबादत। नफल हो तो वो तो मुमकिन है कि कुछ ने रोज़ा रखा है तो अक्सरियत ने नहीं रखा, लेकिन ये फ़र्ज इबादत है जहाँ भर के पूरी दुनिया के मुसलमान, शर्क़ व ग़र्ब में रहने वाले मुसलमान,
ماہ رمضان المبارک میں ایک عمل میں شریک ہوتے ہیں روزے میں, تو جب وہ ایک عمل میں شریک ہو گئے تو ان میں مساوات آ گئی. اسی طرح ایک اضافی عبادت ہے نماز تراویح, جو اس کی راتوں کی بندگی ہے, تو نماز بہترین مظہر ہے مساوات کا. تو ایک اور اضافی عبادت وہ بھی مساوات کا ذریعہ بن گئی. انسانوں میں جو طبقات پیدا ہوتے ہیں مثلا مالی تفاوت کی وجہ سے, غریب اور امیر ہونے کے اعتبار سے, تو ماہ رمضان نے ایک اور عبادت لاگو کی, وہ ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر یہ امراء غرباء کو دیتے ہیں, تو اس طرح غرباء غربت سے افلاس سے نجات پاتے ہیں اور ان کی مفلوق الحالی ختم ہوتی ہے. اس طرح یہ ماہ رمضان کی یہ عبادت اس طرح امیر و غریب کی تفریق کو بھی مٹاتی ہے. تو یقیناً اس کی عبادت یہ بھی اسی کی عبادت ہے, یعنی صدقۃ الفطر. تو اس مالی عبادت سے بھی انسانوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر مساوات کا ایک درس ملتا ہے. پھر آپ غور فرمائیں کہ اس پر جو سجدہ شکر بجا لاتے ہیں نا نماز عید الفطر, یہ ماہ رمضان کی ان عبادات کی بدولت کہ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ماہ رمضان میں عبادات کے ذریعے ہدایت ملی, تو فرمایا اس پر تکبیر ادا کرو. آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز عید کے لیے آتے جاتے ہوئے تکبیر پڑھے, اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں دوگانہ نماز, تو یہ نماز شکر ہے, واجب ہے یہ شکر ادا کرنا. تو اس نماز میں بھی امیر و غریب شریک ہوتے ہیں, امیر و غریب کے فرق کو تو ختم کر دیا جاتا ہے. جو شکر بجا لانے کی صورت ہے ماہ رمضان کی بدولت, وہ بھی مساوات, تو وہ بھی مساوات کا ذریعہ بن گئی. تو اس طرح بدنی یہ عبادتیں, یہ مالی عبادتیں, مالی اور بدنی عبادتوں کا جو مجموعہ ہے, اور ماہ رمضان کی سحر و افطار یہ سب کو جمع کر دیتی ہے. اور پھر ایک سائبان کے نیچے مسلمان جمع ہوتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, وہ بھی ایک بندگی ہے. بالکل, جہاں بھر کے مسلمان, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ یہ حج کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو اس میں پوری دنیا کے مسلمان حرمین طیبین میں جمع ہوتے ہیں, ان کے اندر مساوات, سب طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا, سب صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں, سب مقام ابراہیم پر نفل ادا کر رہے ہیں. جی, تو سب پھر احرام, ان کا لباس بھی ایک جیسا, پھر لبیک لبیک کی صدایں سب کی زبانوں سے, سب کی زبان ایک جیسی, تو وہ زبان کا فرق مٹ گیا, لباس کا فرق, علاقائیت کا فرق, عملی طور پر مسلمان ایک جیسے اعمال میں شریک ہوتے ہیں, اور ماہ رمضان کی یہ عبادات انہیں ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں اور عملی مساوات کا مظاہرہ ہوتا ہے. ٹھیک, بے شک. اللہ جی بالکل. علامہ صاحب, ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہی تھی کہ غرور اور تکبر کا نشہ شراب کے نشے سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے. تو اس نشے سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. ہم بڑے بڑے نشوں سے تو بچتے ہیں, لیکن جو سب نشوں کی ماں ہے اس سے نہیں ہم بچنے کی کوشش کرتے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بریک پہ چلیں اور جلدی سے واپس آئیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دیارِ مصطفیٰ ہے اور میں ہوں, درِ حاجت روا ہے اور میں ہوں, بڑی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے, جمالِ مصطفیٰ ہے اور میں ہوں. سبحان اللہ. ناظرین, وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, مگر وقت ہوا ہے نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں آج کا نعتِ اکلام. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے, پھر کمی کیا ہے,
गए वो तो फिर कमी क्या है, दोनों आलम को पा लिया हमने, दोनों आलम को पा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने, उनके दामन से हो के उनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जी हलीमा, आज की शायरी में आप हमारे लिए कौन सी अच्छी बात लेकर आई हैं? जी, आज की जो अच्छी बात मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो ये है कि आयत का एक तर्जुमा है जो मेरे ख़्याल से हम सबको सुनने की और समझने की बहुत ज़रूरत है, कि अल्लाह ताला कहता है, और लोगों से गरूर के साथ अपना रुख ना फेरो और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक अल्लाह तकब्बुर और इतराह के चलने वालों को नापसंद फरमाता है। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला नापसंद कर रहा है उनको मेरे ख्याल से अगर हम भी नापसंद करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी माशरे में। बेशक हलीमा, तकब्बुर अल्लाह की जात ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मखलूक कर रखा है और उसी पे जचती है, उसी पे जचती है, क्योंकि वो खालिक है, मखलूक पे ये चीज जचती नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, तकब्बुर मेरी चादर है, जिसने तकब्बुर किया उसने मेरी चादर पर हाथ डाला। नाज़रीन, गुफ्तगु का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं सहर अजीम की इस खसूसी ट्रांसमिशन में। अभी वक्त हुआ जाता है हमारे आज के कलाम का, चलते हैं कलाम की तरफ और सुनते हैं खूबसूरत सा कलाम। तो करीमी मन कमीना बंदयम, लेकिन अज लुत्फे शुमा
सर्ववरदायम् जिंदगी जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी याद शर्माया ईमा बवद हर गदास याद सुल्तान बवद सैयदो सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान महतरो बेहतर शफी मुजरिमा शाहबाजे ला मकानी जाने रहमतुल आलमी दर शाने मोहम्मद मोहम्मद हामिदो महमूद शुद शक्ल आबिद सूरते माबूद शुद तो करीमी मन कमीना बंदयन लेकिन अज लुत्फे शुमार परवरदायम माशाल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह जी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि रोज़ा हमें कैसे सिखाता है कि बराबरी के असूलों पर अगर हम चलें तो फर्द और माशरा मज़ीद खूबसूरत हो सकते हैं रोज़ा जो है ये सिर्फ इस्लाम का एक लाजमी रुकन नहीं है बल्कि इसके साथ बहुत सारी बरकतें वाबस्ता है जब इस्लाम में ये दावा करते हैं कि इस्लाम ने हमें एक मुआशरती मसावात का पैगाम दिया है मुआशी मसावात का पैगाम दिया है हमें एक सियासी मसावात का मजलसी मसावात का कानूनी और जो पांच हर इंसान के बुनियादी हकूक हैं वो सब के लिए यकसा रखे हैं कि उसके जान का तहफ़ हो उसके माल का तहफ़ हो उसकी इज़्ज़त का तहफ़ हो उसके नसब का तहफ़ हो और उसके मज़हब का तहफ़ हो तो रोज़ा जो है बुनियादी तौर पर जब माशरे के अंदर इंतशार की फ़ज़ा पैदा होती है तो उसके पीछे कुछ महरकात होते हैं कुछ बदनीयतियाँ होती हैं कुछ बुरे वसवसात होते हैं कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनको कहा जाता है कि रूहानी बीमारियाँ जिसको हसद की बीमारी हो जाती है वो फिर सारा मुआशरा उससे मुतासर होता है जिसको तमे लालच की हो जाती है सारा मुआशरा उससे मुतासर होता है इसी तरह ये तकब्बुर की बीमारी गुस्से की बीमारी और बुरी ख्वाहिशात की बीमारी
तो रोज़ा असल में ये एक तत्हीर का ज़रिया है एक फ़र्द की, और जहाँ एक फ़र्द ठीक होता है, फ़र्द कायम रखते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, तो ये सारी उस वक्त कबाहतें जन्म लेती जब इंसान का कल्ब परागंदा हो, गलीज हो जाए, पलीद हो जाए, फी कुलूब मारद फसा दो मुला मारा था। देखो वही अरब मुआशरा था जहाँ पे सारी छूत छात थी, हर तरह से गलाजतें थी, खमासतें थी, और लौंडी और गुलाम इंसानों का इंसानों में तमीज़ और फ़र्क और कबीले और ग्रोह जो हैं, कोई खुदाई मसनत पे चढ़ के बैठे हुए थे, वो समझते थे से जन्नत हमारे लिए है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने कैसा निज़ाम दिया जिसके अंदर नमाज भी थी और रोज़ा भी था, तो इसने उनके जब दिलों के अंदर से सारी कुदूरतें बाहर निकाल दी, जब उनके जो गंदी ख्वाहिशात की जगह पाकीज़ा सोच डाल दी, जब इंसानियत की कदर डाल दी, अल्लाह की रहमत को जगह दी, तो फिर एक मजलसी मसावात बनी, फिर वो एक खानदानी जो बने हुए थे मायार लोगों ने अपने बना रखे थे, वहाँ भी एक बराबरी का तसव्वुर पैदा हुआ। तो इस एतबार से ये एक ऐसा तत्हीर का अमल है कि वो रोज़ेदार के कल्ब के अंदर से खुर्च खुर्च के वो जितनी नापसंदीदा ख्वाहिशात हैं, आरजुएं हैं और बीमारियाँ उनको निकाल देता है। जब फर्द जो है वो अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाता है, फिर वो अपनी नज़र से नहीं देखता, वो रहमान की नज़र से देखता है, वो अपनी नज़र से नहीं देखता, फिर वो मुस्तफ़ा की नज़र से देखता है, फिर वो अपनी नज़र से नहीं देखता, फिर वो एक मुखलिस अल्लाह का बंदा होने की नज़र से देखता है कि मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, ये भी सारे अल्लाह के बंदे हैं, हम सारे उसी को राज़ी करने के लिए लगे हुए हैं। सिर्फ को फ़र्क ये है कि कोई ज़्यादा आगे निकल गया, कोई थोड़ा सा भी कोशिश में जारी है, वरना हम सब का मतलूब और मकसूद जो है, मेरी ज़िंदगी का मकसद आका तेरे दीन के सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाज़ी। बेशक नाज़रीन, जब हदीस और कुरान इस चीज़ पर दलालत करता है कि हम एक शख्स और एक औरत से पैदा हुए हैं, तो फिर ख़ानदानी तफाखुर किस चीज़ का? बिल्कुल, हर वही मुआशरा कामयाब और खुशगवार होता है जहाँ सब के हकूक यकसां होते हैं, और वही मुआशरा आगे बढ़ता है और फलता फूलता है जहाँ सब की जान माल और इज्जत की यकसां तौर पर हिफाजत होती है। अलामा साहब तक बढ़ते हैं। अलामा साहब, आपसे हमारा अगला सवाल यह है कि मुआशरे में तबकाती कश्मकश कैसे मुआशरे को तनज़ुली की तरफ लेके जाती है? जनाब इमरान खान साहब, बड़ा अहम सवाल है। ये तबकाती कश्मकश यकीनन ये तनज़ुली पर, इंसानी मुआशरे की तनज़ुली पर मुंतज होती है। बेशक इस मसावात ने इंसानियत को एक लड़ी में परो दिया है और तमाम इंसानों के वक़ार को बुलंद करती है। मसावात इंसानों की जान माल आबरू को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और मोहतरम करार पाते हैं, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था खुतबा हज्जतुल विदा में कि इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम दिमाकुम व अमवालकुम व आरादकुम, अल्लाह ने तुम हमारे लिए मोहतरम कर दिया एक दूसरों की जान माल और आबरू। तो वही आप अलैहिस्सलाम ने ये मसावात का दर्स दिया था कि ये मसावात की बदौलत है कि अला इन रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद, अला ला फदल लअरबियन अला अजमियन वला लअजमियन अला अरबियन वला लअहमर अला अस्वद वला लअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक्वा। फरमाया आगाह हो जाओ, जान लो कि तुम्हारा परवरदिगार एक है, यानी तुम सब उसके बंदे हो, तुम्हारा बाप एक है, यानी तुम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। फिर फरमाया कि इलाके की वजह से भी फजीलत नहीं, ला फदल लिल अरबियन अला अजमी वला लिल अजमियन अला अरबी। फिर फरमाया कि ये रंग की वजह से भी नहीं, वला ले अहमर अला अस्वद वला ले अस्वद अला अहमर। तो तकवा का जेवर तो सब पहन सकते हैं, फरमाया फजीलत का मेयार तकवा है। तो ये जो इबादात है ये तकवा से आरास्ता करती है और सबको बुलंद मरतबे पर फायज करती है, और इससे पूरी इंसानियत मोहतरम करार पाती है, तमाम मोमिनों का दर्जा बढ़ जाता है इससे। तो जब ये
मसावात खत्म होगी तो तबकाती कशमकश पैदा होगी, यानी अमीर खुद को अफजल समझेगा, गरीब को वो हकीर जानेगा, तो दूसरे हकीर तो नहीं होते जी, इंदल्ला तो शायद वो बड़े मर्तबे के हामिल हो। बेशक। तो इस तरह अमीर का रुख अलग है, उसका किबला अलग है, गरीब से उसका कोई ताल्लुक नहीं। जो रोजे जोड़ना चाहते हैं, माह रमजान की इबादत और सदकात जो है बाहम इत्तेहाद और मुसावात का दरस देना चाहती है, तो ये तबकाती कशमकश फिर पैदा हो जाएगी। इसी तरह फिर उन इबादात में भी अगर कुछ लोग शरीक नहीं होंगे ना जी, वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगेंगे, तकब्बुर का उन पर सवार होगा, तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में झुकना नहीं आएगा, तो फिर भी तबकाती कशमकश होगी। ये जो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तो यहाँ तो ये नहीं है जी कि ये अगली सफे उमरा के लिए है, पिछली गुरबा के लिए है, अगली सफे फला खानदान के लोगों के लिए और पिछली फला के लिए, ये फर्क मिट जाता है और अमली मुसावात होती है। तो अगर तबकाती कशमकश हो तो हम तनज़ुली का शिकार होंगे और इससे मिन हैसुल बदबू इंसानियत का वकार मुआशरा मुस्तहकम नहीं रहेगा जी, नाकानूनीत होगी। ये कानूनी मसावात भी मतलूब है, जैसा कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक कबीला बनू मखज़ूम की औरत के बारे में सफारिश की गई थी कि उसे सजा से मुस्तस्ना किया जाए, तो वहाँ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्ला लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मद लक़ता तो यदहा, अगर मेरी साहबजादी भी इस तरह करती तो मैं उन पर भी इसी तरह सजा लागू करता। फरमा पहले मुआशरे इस वजह से तबाह हुए थे कि अगर उनमें कोई बड़ा जुर्म करता तो उसे सजा से मुस्तस्ना कर दिया जाता, और कोई गरीब आदमी जुर्म करता तो उस पर सजा लागू की जाती। जनाब ये तबकाती कशमकश ये तनज़ुली की अलामत है, ना कानूनी या तनज़ुली की अलामत है। बेशक जी नाज़रीन, जो मुआशरे तबकाती कशमकश का शिकार होते हैं वो कभी फल फूल नहीं सकते। अलामा साहब ने बहुत खूबसूरत फरमाया था कि बुताने रंगो खूं को छोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना कोई तौरानी रहे बाकी ना ऐरानी रहे बाकी। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी वक्फे के बाद एक बार फिर आप लोगों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गरूर और तकब्बुर का जहाँ तक जिक्र हो रहा है तो गरूर और तकब्बुर जो है वो शैतान की फितरत है और इससे बचने की हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं सहरी के और हमारे प्रोग्राम के, तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल ये है कि तारीख़ इस्लाम से कोई ऐसा वाक़या जो इंसानी तकरीम पर दलालत देता हो हमारे नाज़रीन के साथ प्लीज़ शेयर करें। देखिए इस्लामी तारीख तो इससे भरी पड़ी है बिल्कुल, और ये जो इंसानी रवादारी का तकरीम इंसानी का जो नारा है या तसव्वुर है, ये फ़लसफा है बुनियादी तौर पर, ये इस्लाम ने पेश किया, जिसको अलामा ने भी इस तरह बयान किया कि मन फतेह किस कौम का नुकसान भी एक, एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरमे काबा भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें, जो तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपकी मजलिस में आप इस तरह बैठे होते थे कि बाहर से आने वाले के लिए ये फ़र्क करना मुश्किल होता था कि नबी कौन उम्मती कौन है, और आपने ये जो तस्वर पेश किया वो सिर्फ एक नारा नहीं लगाया, अमली तौर पर ऐसा करके नमाज में रोज़े में हज में जितने हमारे इस तरह के बुनियादी अरकान हैं। तो तारीख इस्लाम में जब मक्का फतह हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अजान का वक्त है, तो अब ज़ोर की अजान पढ़ी जानी है, हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि ये सादत मुझे मिले। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज खाना काबा की छत पे चढ़ के जो है जहाँ लात मनात और बलुज़ा के नारे लगते थे आज अल्लाह अकबर की सलात बुलंद होगी, तो सरकार की तरफ सब की तवज्जो थी कि हमें आप ही जन्नत आ फरमाएं, लेकिन फरमाया नहीं, जो मेरी मस्जिद नबवी का मौज़न है आज वही अजान भी पड़ेगा
और फिर ये वो शहर है जहाँ नाउस बिल्ला एक वक्त में उनको तपती रेत पे घसीटा जाता था, उनके सीने पे भारी पत्थर रखा जाता था और उबाश गुंडों को छोकरों को पीछे लगा दिया जाता और हर तरह उनको अजियत दी जाती। पता चले कि इस्लाम ने जो मसावात का पैगाम दिया है बराबरी का, आज अमली तौर पे बिलाल कहाँ खड़ा है, तो उन्हें खाना काबा की छत पे चढ़ाया और उन्होंने वहाँ अजान पढ़ी और हर तरफ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पे, फिर जो बुत थे अंदर खाना काबा में कोई बड़े बड़े थे कोई छोटे छोटे थे, तो सरकार ने ये नहीं कि छोटे बुतों को निकाल दिया बड़ों को रहने दिया, सारे बाहर निकाल दिए। जाल हक वज़ाहक अलबातिल इन अलबातिला का नज़हूका, जो बहुत ऊंचे थे अली पाक को कहा तुम कंधों पे चढ़ जाओ और ये छड़ी पकड़ो सबको नीचे गिरा दो। तो ये आपने अमली तौर पे वो काबा के अंदर उसे पाक किया और जिस मकसद के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये खाना खुदा बनाया था कि दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बा हैं वो पास बा हमारा, तो सब की जबी वहाँ न्याज करने के लिए। तो वो हजरत बिलाल अबशी को जो आपने तौर पर वो स्टेटस दिया कि वो बिलाल से सैयदना बिलाल हो, वो रश के कमर हो गए, तूने कतरों को देखा गौर कर दिया, आका तूने जर्रों को देखा तो जर कर दिया, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम है। जी डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। नाज़रीन इससे बड़ा मसावात का अमली नमूना और क्या देखा जा सकता है कि वही बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें मक्का की गलियों में नाउज़ बिल्ला घसीटा जाता था, उन्हें ये मौका दिया गया कि खाना काबा की छत पर उन्हें अजान का मौका दिया गया। हम अपने दूसरे मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। अल्लामा साहब आपसे हमारा आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है और ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस रमज़ान में हमें क्या अहद व पैमान बांधना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम इंसानियत के लिए उसकी हमदर्दी के लिए कुछ बेहतर एहसास पैदा कर सकें, अपने आप में भी और अपने आने वाली नस्लों में भी। बहुत ज़रूरी सवाल है जनाब कि हमें अपने अंदर चेंज लानी चाहिए। बेशक हमें अपने मर्तबा को ग्राफ को बुलंद करना चाहिए। बेशक रूहानी तौर पर बड़ी तरक्की नसीब मिलती है आदमी को, ये अमली मसावात अल्लाह के हाँ बहुत काबिल कदर है, फरिश्ते इस पर रश करते हैं। तो फिर उसके बाद हमें अमली इकदामात करने चाहिए माह रमज़ान के बाद। एक तो ये कि आदमी किसी से जब धोखा करता है झूठ बोलता है तो उसे हकीर समझता है, ये गोया मसावात की एक जिद है, खुद को वो बेहतर समझ रहा है और दूसरों को हकीरों का घटिया समझ रहा है। जना बिल्कुल, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह तुम दूसरों अपने बारे में चाहते हो कि सलूक हो ऐसा सलूक तुम दूसरों के साथ करो। तो ये माह रमज़ान हमें सबक देता है कि हम मसावात का अमली मुजाहरा यूं करें कि लोगों की कदर करें, उनके इमलाक की उनके मालों का एहतराम करें, जिस तरह अपने माल को अजीज समझते हैं उसी तरह उनके मालों को भी मोहतरम समझें। इसके साथ साथ हमें कानून पर अमल करना चाहिए क्योंकि कानून पर अमल दरामद ये सब के लिए है और इसमें फिर पूरा मुआशरा मुस्तहकम होता है, ये कानूनी मसावात है कि उसमें शाह व गदा सब पाबंद है। हमारे मसलन कायद आज़म मोहम्मद अली जना अलैह रहमा जब रेड सिग्नल आता था तो वो रेड सिग्नल पे रुक जाते थे खुद दूसरों के साथ, वो इसी तरह वो जब ऑफिस में पहुंचने का टाइम होता था तो दूसरों के साथ पहुंचते थे। अमली मसावात ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये मसावात कशीद है। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम चाहे अफसर हों चाहे क्लास फोर हों सब वो मसावात का मुजाहरा करें, कानून में सब बराबर हैं। इसी तरह मुआशरे के अंदर जो है सब मिलकर उमूर अंजाम दें। अलावा साहब इसी बात को डॉक्टर साहब की तरफ लेके आते हैं, डॉक्टर साहब आप इस ज़िमन में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मैं समझता हूँ वो हमारे कौमी शायर भी हैं हकीम उल उम्मत भी हैं और उनकी फिक्र जो है वो कुरान और सुन्नत की फिक्र है। फरमाते हैं कि खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा था मेरी आँख का खाके मदीना नजफ, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये रोज़े से नमाज से या दीगर इबादात से और प्लस हम कहते हैं कुछ कवानीन ऐसे हों सही पकड़ दकड़ की जाए और जो मुजरम हो उसको टिकटिकी पे चढ़ाया जाए, निशान में इबरत बनाया जाए,
ठीक है इन चीज़ों के असरात हैं, लेकिन हजूर अली सलातुस्सलाम जो इनकलाब लाए वो अपनी शख्सियत से लाए थे, वो उनका ज़ाती किरदार था कि सहाबा किराम हजूर की अली सलातुस्सलाम की मोहब्बत में फना हो चुके थे। इस कदर उन्होंने फनाइत हासिल की थी कि उन्हें हजूर की एक एक अदा जो है अपनी जान से ज़्यादा अजीज थी, उनका एक एक तरीका वो अपनी जान से ज़्यादा उसको महबूब रखते थे। तो जब तक सीने में इश्क इलाही ना हो, इश्क मुस्तफ़ा ना हो, जब तक सरकार की दीन और कुरान से मोहब्बत ना हो, तो ये सारी बातें जो हैं वो संग रह गई, रस्म अज़ा रूह बलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही, तो उनके मरकज और महवर जो है वो हजूर की मोहब्बत सच्ची बात है। जो अलामा ने देखो शिकवा जो आज शिकवा में बड़ी बातें की, लेकिन आखिर में कहा भी बात इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं। ये जहाँ चीज है कि लोहा कलम दे रहे हैं, हम अपने नौजवानों को हजूर की सीरत को आइडियलाइज करवाएं, उनकी सीरत की तालीम दें। जहाँ मौजे तुंग के ऊपर बड़ी लंबी लंबी बहसें करते हैं, जो ये था वो था, हम कार्ल मार्क्स और लेनिन को आइडियलाइज करते हैं, हम जो है वो नठे को फलसफे को लेके बैठे हो, यार वो तो सरकार के कदमों की खाक नहीं। वो तो माइकल हार्ट ने भी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100% में ये बात कही, वो बाकी 99 इकट्ठे होके भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कदमों की खाक भी नहीं बनते। तो हमें हजूर की सीरत को अपनाने की क्या उनकी मोहब्बत दिलों में डालने की जरूरत है। जब मोहब्बत आ जाएगी सरकार की, सीरत भी छूट जाएगी, फिर बुराइयां भी छूट जाएंगी, फिर हर काम जो है वो मन तू शुदम तू मन शुदी तन तू मैं मन तन शुन तू जान शुदी ता कस न गोयद बाद असी मन दी गरम तू दी गरी फिर राजा राजा आखदी नहीं मैं आप ही राजा हुई सदियों नहीं होती दो राजा ही ना खो कोई मैं राजे विच राजा मैं विच रत्ती फर्क ना कोई जिदे नाल मैं न्यों लगाया ओह जी मैं हुई। नाज़रीन अल्लामा साहब ने बहुत खूब फरमाया था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके तब खाके काशगर। इस्लाम ने इन सारे मस्नूई रंगों नस्ल के बुतों को तोड़ा है और इंसानियत को एक लड़ी में पिरोया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस लड़ी में पिरोए रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इमरान लोग अपनी अमीरी पे फख्र करते हैं, तकब्बुर करते हैं, लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा भी देखने में आता है कि लोग अपनी इबादतों पे भी तकब्बुर करना शुरू हो जाते हैं और उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें हर तरह के तकब्बुर से दूर रहने की तौफीक अता करे। इसी नोट पर आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मुझे और इमरान को हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना अपने वालदैन का बहुत ख्याल रखें। कल तक लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।